कर दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। तो आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल बीओई का जो एग्जाम हुआ था उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, तो देखेंगे पेपर फर्स्ट एंड जो पेपर सेकंड हुआ था उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनके सोल्यूशन के बारे में देखेंगे। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो ये था कि फॉर द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया एंड हाइट अ बीम ऑफ आई सेक्शन टेक मोर लोड देन अ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। बिकॉज क्या बोल रहा है कि एक सेम क्रॉस सेक्शन एरिया एंड हाइट का एक बीम है, ठीक ना, उसका आई सेक्शन जो है ज़्यादा लोड लेता है एज़ कम्पेयर टू उसके रेक्टेंगुलर सेक्शन से, उसका कारण क्या है, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखते हैं। जो पहला ऑप्शन बोल रहा है सेक्शन मॉडुलस ऑफ आई बीम इज ग्रेटर, एंड जो सेकेंड ऑप्शन है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन आई बीम इज ग्रेटर, बेंडिंग मोमेंट इंड्यूस्ड इन आई बीम इज लेस, एंड फाइनल है ऑल ऑफ द अबव। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, ठीक ना। क्या सेक्शन मॉडुलस ऑफ आई बीम इज ग्रेटर, ठीक ना, इसीलिए क्या होता है जो उसका आई आई सेक्शन है वो ज़्यादा लोड लेता है एज कम्पेयर टू रेक्टेंगुलर सेक्शन से। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कैपेसिटी ऑफ इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन इज हायर देन दैट ऑफ फोर्स ड्राफ्ट फैन फॉर अ बॉयलर यूजिंग बैलेंस ड्राफ्ट। बिकॉज क्या बोल रहा है कि जो हमारा आईडी फैन होता है उसकी कैपेसिटी हमेशा हमारे एफडी फैन के कैपेसिटी से ज़्यादा होती है, ठीक ना, मतलब कि आईडी फैन हमारा बड़ा होता है, क्यों। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लू गैस इज लेस देन दैट ऑफ एयर, एंड बी है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर इज लेस देन दैट ऑफ फ्लू गैस, एंड सी है द लोड ऑफ फोर्स ड्राफ्ट फैन इज इंक्रीज बाई प्राइमरी एयर फैन, एंड फाइनल है द लोड ऑफ इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन इज इंक्रीज बाई इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर। तो जो इसका रीज़न है कि आई डी फैन हम बड़े कैपेसिटी के लगाते हैं, क्यों, क्योंकि जो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है फ्लू गैस का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एयर। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर इज लेस देन दैट ऑफ फ्लू गैस। ओके, दैट मीन्स कि जो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम है एयर का वो कम होता है एज कम्पेयर टू फ्लू गैस। तो इसीलिए हम आईडी फैन बड़े कैपेसिटी का लगाते हैं, क्योंकि हमारा जो फ्लू गैस होता है उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम ज़्यादा होता है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि बेड कॉइल ट्यूब ऑफ फ्लूडाइज बेड कम्बस्चन बॉयलर आर स्टडेड। तो क्या बोल रहा है कि जो हमारे बेड कॉइल होते हैं फ्लूडाइज बेड के, ठीक ना, उनका जो बेड कॉइल जो होता है उसमें स्टड लगे हुए, तो ठीक ना, तो स्टड किस रीजन से लगाए जाते हैं, ठीक ना, स्टडेड होते हैं तो किस लिए होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, टू इंक्रीज हीट ट्रांसफर, टू मिनिमाइज इरोजन ऑफ ट्यूब, एंड बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, ठीक ना। हम स्टडेड ट्यूब्स इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा हीट ट्रांसफर एरिया बढ़ सके और जो ट्यूब्स पे इरोजन हो वो कम से कम हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, चूज द फ्यूल विथ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, इनमें से कौन सा फ्यूल है जिसकी सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो पहला ऑप्शन इसमें कोल, दूसरा है बगास, तीसरा है लिग्नाइट, एंड फाइनल है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कोल, ठीक ना। जो कोल होता है उसका हमारा जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ओके, एज कम्पेयर टू ये बगास, लिग्नाइट और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अ बॉयलर इज परमिटेड टू ऑपरेट एट अ मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 17.5 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर इन एन FPS स्टैंडर्ड प्रेशर गेज फिटेड टू बॉयलर इट कॉरस्पॉन्ड टू। दैट मीन्स कि क्या बोल रहा है कि एक बॉयलर है जो 17.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के उस पर चल रहा है, ठीक ना, उसमें हमारा जो FPS स्टैंडर्ड होता है, ठीक ना, उसका गेज लगा हुआ है, तो वो उसमें मतलब कितना रीडिंग दिखाएगा, ठीक ना। तो यानी कि जब आपका एक आप अगर आप देखेंगे केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर को आप PSI में कन्वर्ट करेंगे ना, तो आपका एक केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 14.5
3 के समथिंग होता है, ठीक ना। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा, ठीक ना। कितना? 250 PSI। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हीट एडेड टू वाटर इन द इकोनोमाइजर इज, जो हम इकोनोमाइजर में जो हमारा वाटर जाता है उसमें जो हम हीट ऐड करते हैं वो कौन सा हीट होता है? तो ऑप्शन दिया है इसमें, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, सुपर हीट और ऑल ऑफ द एबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा सेंसिबल हीट। ओके, कौन सा हीट ऐड करते हैं हम इकोनोमाइजर में? सेंसिबल हीट ऐड करते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पावर ट्रांसमिटेड बाई शाफ्ट इन वॉट इज गिवन बाई, क्या बोल रहा है कि जो पावर ट्रांसमिट होता है शाफ्ट के द्वारा उसको वॉट में हम किस फॉर्मूले से डिनोट करेंगे? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ये, पी इक्वल टू 2π NT/60, ठीक ना। क्या होगा? पी इक्वल टू 2π NT/60। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? प्रोड्यूसर गैस मेनली कंटेन, जो प्रोड्यूसर गैस होता है उसमें क्या क्या होता है? ओके, तो प्रोड्यूसर गैस में मेनली हमारा कार्बन, कार्बन डाइ कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। ओके, इसमें जो ऑप्शन दिया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, मेथेन, इथेन, ब्यूटेन और हाइड्रोकार्बन। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इसमें हमारा ये बी होगा, ठीक ना, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। प्रोड्यूसर गैस हमारा तब तक उस कंडीशन में निकलता है जब हम कोल को एयर के एब्सेंस में जलाने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। मतलब कब? जब हमारा एयर जो होगा, एयर की जो एयर की क्वांटिटी होगी वो कम होगी, उस कंडीशन में अगर हम कोल को जलाएंगे तो हमारा क्या होगा? प्रोड्यूसर गैस निकलता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड इन इरोजन इन बॉयलर इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाई, जो कोल्ड इन इरोजन सुना होगा आप लोगों ने, कोल्ड इन इरोजन वो क्यों होता है? तो इसमें देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन है सल्फर कंटेंट इन फ्यूल, सेकेंड ऑप्शन है मॉइस्चर कंटेंट इन फ्यूल, थर्ड है एस कंटेंट इन फ्यूल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपका कोल्ड इन इरोजन होता है वो अगर आपके फ्यूल में सल्फर कंटेंट ज़्यादा है तो क्या होगा? सल्फर डिपोजिशन होता है, एक सल्फर ड्यू पॉइंट होता है, ठीक ना। सल्फर ड्यू पॉइंट से अगर आपका जो फ्लू गैस का टेम्परेचर है वो अगर सल्फर ड्यू पॉइंट से नीचे जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपका जो मेटल है वहाँ पे उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डिपोजिट होगा, उससे क्या होगा? आपका कोल्ड एंड इरोजन होता है। ये नॉर्मली हमारा APH में होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 9 का ए। ओके, सल्फर कंटेंट इन फ्यूल। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एयर डज नॉट इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर? ओके, तो क्या बोल रहा है? इसमें कौन सी प्रॉपर्टी एयर की है जो अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंक्रीज नहीं होगा? ओके, तो क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ? थर्मल कंडक्टिविटी, डेंसिटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी एंड विस्कोसिटी। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, ठीक ना। क्या एयर का टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियल शेप ऑफ प्रेशर वेसल फ्रॉम स्ट्रेस कंसिडरेशन एंड मिनिमम मटेरियल इज, क्या बोल रहा है कि जो हमारा प्रेशर वेसल होते हैं उनका आइडियल शेप क्या होगा अगर हम स्ट्रेस कंसिडरेशन, स्ट्रेस को कंसिडर करें और मिनिमम मटेरियल का यूज करें तो, ठीक ना। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा स्फेरिकल शेप, ठीक ना। आपने देखा भी होगा मैक्सिमम जो हमारे पावर प्लांट में जो प्रेशर वेसल यूज होते हैं, जो लाइक ड्रम हो गया, फिर एचपीटर हो गया, सब स्फेरिकल शेप में ही होते हैं। ओके, और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रीहीटर रिसीव स्टीम फ्रॉम सुपर हीटर, डीरेटर, इकोनोमाइजर, हाई प्रेशर टर्बाइन आउटलेट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो डी होगा, हाई प्रेशर टर्बाइन आउटलेट। जो हमारे रीहीट यूनिट होते हैं, लाइक आपके जो बड़े बड़े टर्बाइन होते हैं, लाइक जहाँ पे 500 MW या फिर 660 MW, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट स्टीम आता है बॉयलर से तो वहाँ पे टर्बाइन पहले वो HP टर्बाइन में जाता है, ठीक ना। वहाँ HP टर्बाइन में जाता है, HP टर्बाइन से वर्कआउट करने के बाद वो क्या जाता है, फिर उस स्टीम को हम रीहीटर में भेजते हैं और रीहीटर में उसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, देन अगेन उसको हम IP और LP टरबाइन में
भेजते हैं वर्कआउट के लिए, तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा 12 का वो डी होगा, हाई प्रेशर टर्बाइन आउटलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर इज मोस्ट इफिशियंट इन कम्बस्टन, इनमें से कौन सा बॉयलर कम्बस्टन मतलब इनमें से कौन सा बॉयलर है जिसमें कम्बस्टन बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है फ्लूडाइज बेड कम्बस्टन बॉयलर, लंकाशायर, स्टोकर फायर्ड एंड चैन ग्रेड। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, फ्लूडाइज बेड कम्बस्टन बॉयलर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। पावर बॉयलर इज जनरली, पावर बॉयलर जो होता है वो किस टाइप का होता है। फर्स्ट ऑप्शन है फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब, मिक्स ट्यूब, बोथ ए एंड बी। ओके तो जनरली जो पावर बॉयलर होता है वो वाटर ट्यूब टाइप का होता है, ठीक है ना, किस टाइप का होता है, वाटर ट्यूब। ओके अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज डी सेंटीमीटर, ओके हाइट इज एल सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन होल्ड इन लीटर। ओके तो इसका ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ, पाई डी क्यूब एल अपन 4000, पाई डी स्क्वायर एल अपन 4, पाई डी स्क्वायर एल अपन 4000, पाई डी स्क्वायर एल अपन 40। तो इसके लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले हम एरिया निकाल लेंगे, ठीक है ना, एरिया क्या हो जाता है आपका वॉल्यूम इंटू हाइट। ओके तो जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, पाई पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और हाइट कितना दिया हुआ है एल, ठीक ना, एल किस में है सेंटीमीटर में। उसको हम लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका वो सी होगा, क्या, पाई डी स्क्वायर एल अपन 4000। ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या बोल रहा है कि नेचुरल सर्कुलेशन इज लिमिटेड टू सब क्रिटिकल बॉयलर, सुपर क्रिटिकल बॉयलर, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दी अबव। नेचुरल सर्कुलेशन लिमिटेड होता है कहाँ पे, सब क्रिटिकल बॉयलर में। नेचुरल सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो हमारा सर्कुलेशन होता है वो ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस के कारण होता है। क्यों, कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि जो हमारा स्टीम है उसका जो डेंसिटी है वो कम होगा, ठीक है ना, वो हल्का होगा एज कम्पेयर टू वाटर। तो क्या होगा, डेंसिटी कम होता है क्या होता है, वो ऊपर उठते रहता है, तो क्या होगा, हमारा कंटिन्यू सर्कुलेशन चलते रहता है। ओके जबकि सुपर क्रिटिकल बॉलर में जाएंगे तो आप नेचुरल सर्कुलेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक ना, वहाँ पे फोर्स सर्कुलेशन या फिर असिस्ट सर्कुलेशन होता है, या फिर वहाँ पे जो नॉर्मली जो सुपर क्रिटिकल बॉलर होता है वो वंस थ्रू होते हैं। ओके और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग टाइप ऑफ पंप इज प्रिफर्ड एज अ फीड पंप इन हाई प्रेशर बॉलर, किस टाइप का पंप हम किस टाइप का हम बॉलर फीड पंप लेते हैं हाई प्रेशर बॉलर के लिए। तो ऑप्शन दिया हुआ है रेसिप्रोकेटिंग, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल, बोथ एंड बी एंड नॉन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, क्या होगा, बी आपका मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। जो हमारा बीएफपी होता है वो कैसा होता है, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्लेटन सुपर हीटर एब्जॉर्ब हीट मेनली बाई, जो हमारा प्लेटन सुपर हीटर होता है वो हीट कहाँ से एब्जॉर्ब करता है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, रेडिएशन, ठीक ना, जो हमारा हीट ट्रांसफर के मेथड होते हैं तीन होते हैं, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। तो जो हमारा प्लेटन सुपर हीटर होता है वो रेडिएशन से हीट एब्जॉर्ब करता है। ओके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि द क्रिटिकल प्रेशर ऑफ स्टीम इज, जो स्टीम होता है उसका क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या, 225 केजी पर मीटर स्क्वायर, 235 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 325 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 225 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डी, 225 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा स्टीम का, 225 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉयलर माउंटिंग, स्टीम स्टॉप वॉल, फ्यूजिबल प्लग, सेफ्टी वॉल और इकोनोमाइजर। तो जनरली बॉयलर में हमारा माउंटिंग और एसेसरीज का यूज किया जाता है। माउंटिंग किस लिए होता है, माउंटिंग हमारे बॉयलर की सेफ्टी के लिए होता है, और जो एसेसरीज होता है वो बॉयलर की इफिशेंसी बढ़ाने के लिए होता है। तो जो हमारा स्टीम स्टॉप वॉल है वो भी आपका मतलब सेफ्टी के लिए यूज़ होता है, जो फ्यूजिबल प्लग है वो भी हमारा सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं,
और जो सेफ्टी बॉल है वो तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब बॉलर की सेफ्टी के लिए यूज़ होता है, जब हमारा एक्सेस प्रेशर होता है उसको रिलीज करता है। ओके, लेकिन जो लास्ट है आपका इकोनोमाइजर, ये क्या है, हमारा एसेसरीज में आ जाएगा, ठीक ना। तो इसमें से क्या है, जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, डी, इकोनोमाइजर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइप ऑफ वॉल यूज फॉर आइसोलेशन इन स्टीम और वाटर पाइपिंग, क्या बोल रहा है कि किस टाइप के वॉल्व हमारा स्टीम और वाटर पाइपिंग में आइसोलेशन के लिए यूज किए जाते हैं। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, गेट वॉल, ठीक ना। कौन सा यूज करते हैं हम, गेट वॉल। ओके, और अगला क्वेश्चन क्या है कि इन अ बॉयलर द सेटिंग ऑफ सेफ्टी वॉल्व ऑफ अ बॉयलर ड्रम कंपेयर टू दैट ऑफ मेन स्ट्रीम लाइन हैज, क्या बोल रहा है कि जब हम बॉयलर में सेफ्टी वॉल्व का सेटिंग करते हैं तो बॉयलर ड्रम का जो सेफ्टी वॉल्व का सेट प्रेशर है वो मेन स्ट्रीम लाइन के सेट प्रेशर से कम होता है, ज़्यादा होता है, या फिर हायर और लोअर, डिपेंड करता है वो स्टीम फ्लो पे डिपेंड करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो हमारा देखिए जो बॉयलर ड्रम का सेफ्टी वॉल्व होता है वो हमारे मेन स्ट्रीम के लाइन के सेफ्टी वॉल्व के प्रेशर से हायर वैल्यू पे सेट किया जाता है। दैट मीन्स कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। तो देखिए ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए अगर हमारा मान लीजिए कि ड्रम का जो सेफ्टी वॉल्व है वो लोअर वैल्यू पे सेट कर दिए, अगर मेन स्ट्रीम लाइन के सेफ्टी वॉल्व के प्रेशर से कम प्रेशर पे सेट कर दिए ड्रम का सेफ्टी वॉल्व को, तो क्या होगा कि जब भी आपका प्रेशर बढ़ेगा तो ड्रम का सेफ्टी वॉल्व पहले उठ जाएगा। ड्रम का अगर सेफ्टी वॉल्व पहले उठ जाएगा तो जो भी, अगर मान लीजिए कि जो स्टीम रहेगी वो सीधे ड्रम से ही निकल जाएगी, सुपरेटर में जाएगी नहीं, तो क्या होगा वहाँ पे सुपरेटर के ट्यूब्स के स्टारवेशन होने के चांसेस बन जाएंगे। इसीलिए क्या करते हैं हम कि मेन स्ट्रीम लाइन का जो सेफ्टी वॉल्व है उसको हम लोअर वैल्यू पे सेट करते हैं, ताकि हमारा जो अगर स्टीम का प्रेशर बढ़े तो पहले लाइन की सेफ्टी उठे, उसके बाद ड्रम की सेफ्टी उठेगी। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि द पॉइंट एट विच इलोंगेशन ऑफ मटेरियल इज क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन लोड इज नोन एज येल्ड पॉइंट, ठीक ना। ये इसका जो 23 का इसका सी, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एचपी हीटर आर प्रोवाइड इन द बॉयलर फॉर इंक्रीजिंग साइकिल इफिशियंसी, द प्रेशर ऑफ द फीड वाटर, टेम्परेचर ऑफ द फीड वाटर, बोथ एंड बी। तो किस लिए हम यूज करते हैं, एक तो हमारा साइकिल का एफिशिएंसी इंक्रीज होता है, दूसरा टेम्परेचर ऑफ द फीड वाटर। दैट मीन्स कि जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, ठीक ना, मतलब कि बोथ एंड सी, ये डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाई परसेंटेज ऑफ सीओ इन फ्लू गैस ऑफ द बॉयलर इंडिकेट, अगर मान लीजिए कि आपके फ्लू गैस उसमें जो सीओ का परसेंटेज है वो ज़्यादा है तो क्या इंडिकेट करेगा। दैट मीन्स कि वो क्या होगा, लो एक्सेस सीओर होगा तो आपका जो फ्लू गैस में सीओ जो है बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपका जो एक्सेस एयर है वो लो है, आपको एक्सेस एयर और देना पड़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है इन अ बॉयलर द बिगेस्ट हीट लॉस इज ड्यू टू, बॉयलर में जो सबसे ज्यादा हीट लॉस होता है वो कहाँ होता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन होगा वो होगा ड्राई फ्लू गैस, ठीक ना। जो हमारा बिगेस्ट हीट लॉस होता है, सबसे ज्यादा हीट लॉस जो होता है वो ड्राई फ्लू गैस से ही होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है रीहीटिंग इंप्रूव्स ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम एंटरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ टर्बाइन, ओवरऑल साइकिल इफिशियंसी, बोथ एंड बी एंड नॉन ऑफ दी एबव। तो इसका और क्या आंसर क्या हो जाएगा, बी, ओवरऑल साइकिल इफिशियंसी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि ब्लो डाउन ऑफ द सेफ्टी वॉल्व इज सेट प्रेशर माइनस रिसेट प्रेशर अपॉन सेट प्रेशर, रिसेटिंग प्रेशर अपॉन लिफ्टिंग प्रेशर, लिफ्टिंग प्रेशर अपॉन लिफ्टिंग प्रेशर माइनस रिसेटिंग प्रेशर। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा, सेट प्रेशर माइनस रिसेट प्रेशर अपॉन सेट प्रेशर।
इससे हम क्या कर सकते हैं, ब्लो डाउन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा एक्सियल फ्लो पंप इज स्टार्टेड विथ इट्स डिलीवरी वॉल्व। दैट मीन्स कि जो हमारा एक्सियल फ्लो पंप है उसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं, उसका डिलीवरी वॉल्व का पोजीशन क्या रहता है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कैप्ड फुल्ली ओपन, ठीक ना, फुल्ली ओपन करके हम स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इंक्रीज ऑफ स्टीम प्रेशर हैज द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ स्टीम। अगर हम स्टीम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो स्टीम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, स्टीम टेम्परेचर गोज डाउन एंड एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन गोज डाउन, स्पेसिफिक वॉल्यूम गोज डाउन एंड एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन गोज अप, स्टीम टेम्परेचर गोज अप एंड एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन गोज अप। ओके, स्टीम टेम्परेचर एंड एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन गोज डाउन। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी वाला होगा, ठीक ना, क्या होगा, बी वाला, स्पेसिफिक वॉल्यूम गोज डाउन एंड एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन गोज अप। ओके, तो बात करते हैं सेकेंड पेपर के लिए, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन थे हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन है द फॉलोइंग गैस इज यूज इन टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस, कौन सा गैस हम टिग वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, आर्गन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है इन पल्वराइज फ्यूल फायर्ड बॉलर एस कलेक्शन इन बॉटम एस हॉपर इज मोर देन ईएसपी हॉपर, इन ईएसपी हॉपर इज मोर देन बॉटम एस हॉपर, इन ईएसपी हॉपर इज सेम एज दैट ऑफ बॉटम एस हॉपर, नॉन ऑफ द अबव। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, इन ईएसपी हॉपर इज मोर देन बॉटम एस हॉपर, क्योंकि देखिए जो हमारा पल्वराइज फ्यूल फायर बॉलर होता है इसमें अराउंड 80% जो एस होता है वो फ्लाई एस में निकल जाता है, जो रिमेनिंग बचता है वो आपका बॉटम एस में आता है। तो फ्लाई एस में कहाँ जाएगा, फिर ये आपका ईएसपी में कैप्चर होगा और वहां से फिर ये ईएसपी हॉपर में निकलेगा, इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ईएसपी हॉपर इज मोर देन दैट, मोर देन बॉटम एस हॉपर। ओके, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन टॉप सपोर्टेड बॉलर द इंटायर बॉलर एक्सपेंड अपवर्ड, द इंटायर बॉलर एक्सपेंड डाउनवर्ड, द बॉलर डज नॉट एक्सपेंड, नॉन ऑफ द अबव। तो अगर मान लीजिए आपका बॉलर टॉप सपोर्टेड है तो जो इंटायर बॉलर होगा वो पूरा डाउनवर्ड की तरफ एक्सपेंड होगा, अगर मान लीजिए बॉटम सपोर्टेड है तो वो पूरा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सपेंड होगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, नेचुरल ड्राफ्ट इज क्रिएटेड बाय एफडी फैन, आईडी फैन, चिमनी और फर्नेस। तो जो नेचुरल ड्राफ्ट होगा वो चिमनी के द्वारा क्रिएट किया जाएगा, अगर बैलेंस ड्राफ्ट है तो एफडी और आईडी दोनों को मिला के चलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या पूछा, नेचुरल ड्राफ्ट, तो नेचुरल ड्राफ्ट किससे बनेगा, चिमनी से बनेगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिरेटर आर प्रोवाइडेड इन बॉलर, डिरेटर हम बॉलर में क्यों देते हैं, टू रिमूव हार्डनेस फ्रॉम फीड वाटर, टू रिमूव डिजोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम फीड वाटर, टू इंक्रीज पीएच वैल्यू ऑफ फीड वाटर, नॉन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, हम डिरेटर का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम डिजोल्व ऑक्सीजन को फीड वाटर से रिमूव कर सकें। ओके, अगला क्वेश्चन है बर्नल टिल्टिंग इज रिस्टोरेड फ्रॉम द पर्पज ऑफ बैरिंग फर्नेस प्रेशर, कंट्रोलिंग रीहीट स्टीम टेम्परेचर, इम्प्रूविंग कम्बस्टन इफिशियंसी, नॉन ऑफ द अबव। तो हम बर्नल टिल्ट किस लिए, बर्नर टिल्ट का यूज क्या है, कंट्रोलिंग रीहीट स्टीम टेम्परेचर, ठीक ना, रीहीट जो हमारा रीहीटर लगे होते हैं उनके स्टीम टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम बर्नर टिल्टिंग का यूज करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ड्रॉट इन अ बॉयलर इज नेसेसरी टू फोर्स एडिक्वेट एयर थ्रू द कंबस्टन चेंबर टू असिस्ट प्रॉपर कंबस्टन इन फ्यूल, टू ड्रा आउट द रिजल्टिंग हॉट फ्लू गैसेज फ्रॉम द कम्बस्टन चेंबर, टू वेंट द प्रोडक्ट ऑफ कम्बस्टन टू एटमोसफियर, ऑल ऑफ द अबव। तो ड्रॉट इन बॉयलर इज नेसेसरी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, अगला क्वेश्चन है मॉडर्न ईएसपी हैव पार्टिकुलेट रिमूवल इफिशियंसी ऑफ मोर देन 90%, लेस देन 90%, लेस देन 80% और 100%। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा डी, जो मॉडर्न ईएसपी है उनका जो पार्टिकुलेट रिमूवल इफिशियंसी वो अराउंड 100% होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कंटिन्यूअस ब्लो डाउन इज रिस्टोरेड टू मेंटेन ड्रम लेवल, मेंटेन साल्ट कंसंट्रेशन ऑफ बॉलर वाटर विद परमिसिबल लिमिट्स, रिमूव डिजोल्व ऑक्सीजन, नॉन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी,
मेंटेन सॉल्ट कंसेंट्रेशन ऑफ बॉयलर वाटर विद इन परमिशेबल लिमिट। ओके, अगला क्वेश्चन है, चांस ऑफ फायर आर मोर इन एपीएच ड्यूरिंग स्टार्टअप एंड शट डाउन ऑफ बॉयलर ड्यूरिंग फर्नेस वॉल ब्लोइंग ड्यूरिंग कटिंग इन ऑफ कोल बर्नर नॉन ऑफ दी एबव। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, ड्यूरिंग स्टार्टअप एंड शट डाउन ऑफ बॉयलर। जो हमारे बड़े बॉयलर होते हैं तो उनमें जहाँ पे आपका रिजनरेटिव आपके वो होते हैं एपीएच होते हैं, वहाँ पे स्टार्टअप और शटडाउन के टाइम में ज़्यादा चांसेस रहते हैं एपीएच में फायर होने के। ओके, अगला क्वेश्चन है, इरोजन ड्यू टू एस इन पीएफआईड वाटर ट्यूब बॉयलर इंक्रीज इफ द फ्लू गैस वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज इफ द फ्लू गैस वेलोसिटी इंक्रीज रिमेन अनअफेक्टेड ड्यू टू वेलोसिटी चेंज नॉन ऑफ दी एबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि अगर हम वो जो इरोजन है ड्यू टू एस इंक्रीज होगा अगर हम फ्लू गैस वेलोसिटी इंक्रीज कर देते हैं, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉक्स इमिशन एफबीसी बॉलर फायर्ड विथ कोल आर कंट्रोल्ड बाय एडिंग। जो हमारा एफबीसी बॉलर है उसमें सॉक्स को हम जो सॉक्स इमिशन को कंट्रोल करते हैं उसमें उसके लिए हम क्या उसमें मिलाते हैं, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। ओके, उसमें हम क्या मिलाते हैं, लाइम स्टोन मिलाते हैं सॉक्स इमिशन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डाटा इज नॉट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बॉयलर इफिशेंसी बाय डायरेक्ट मेथड स्टीम फ्लो रेट स्टैक गैस टेम्परेचर एम्बियंट टेम्परेचर एनर्जी कंटेंट इन फ्यूल। ओके, तो सॉरी विच डाटा इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें इनडायरेक्ट, ठीक ना, तो इनडायरेक्ट मेथड से हमें अगर इफिशियंसी निकालना है उसमें हमें स्टीम फ्लो रेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना, डायरेक्ट मेथड से निकालने के लिए हमें स्टीम फ्लो रेट की जरूरत पड़ती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा स्टेप इज माउंटेड ऑन, हाइड्रा स्टेप कहाँ लगा होता है, बॉयलर ड्रम इकोनोमाइजर री हीटर सुपर हीटर। तो जो हाइड्रा स्टेप होता है ये हमारा बॉयलर ड्रम पे होता है, इससे हम ड्रम का लेवल देख सकते हैं फील्ड से। ओके, तो ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, सुपर हीटिंग इज अ थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस ऑफ स्टीम हीटिंग एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट प्रेशर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम नॉन ऑफ दी एबव। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, कॉन्स्टेंट प्रेशर। जो सुपर हीटिंग होता है थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस पे वो किस पे होता है, किस प्रोसेस पे होता है, हमारा कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, द टर्न डाउन रेशियो ऑफ ऑयल बर्नर इन अ बॉयलर इज द रेशियो ऑफ एयर टू फ्यूल मैक्सिमम फ्यूल इनपुट टू एक्चुअल फ्यूल इनपुट मैक्सिमम एयर इनपुट टू मिनिमम एयर इनपुट मैक्सिमम फ्यूल इनपुट टू मिनिमम फ्यूल इनपुट। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, ठीक ना, जो टर्न डाउन रेशियो का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम टू मिनिमम। ओके, अगर बॉयलर का भी अगर आप टर्न डाउन रेशियो देखेंगे तो उसमें क्या होगा, मैक्सिमम आउटपुट टू मिनिमम आउटपुट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइज इन कंडक्टिविटी ऑफ बॉयलर फीड वाटर इंडिकेट, अगर बॉयलर फीड वाटर का कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है तो दैट मीन्स ही क्या प्रॉब्लम है, फिर वो क्या इंडिकेट करेगा। तो ऑप्शन है ड्रॉप इन टीडीएस इन फीड वाटर, बी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, एल्कलिनिटी ऑफ वाटर, राइज इन द टीडीएस ऑफ फीड वाटर। अगर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है फीड वाटर में दैट इंडिकेट दैट जो हमारा फीड वाटर उसका टीडीएस बढ़ रहा है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्केलिंग इन बॉयलर ट्यूब इज नॉट डिजायर्ड एज इट ओवर हीट द ट्यूब मटेरियल एंड लीड टू फेलुअर कॉज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वाटर सर्कुलेशन कॉजिंग ओवर हीटिंग ऑफ ट्यूब रिड्यूस हीट ट्रांसफर एंड हेंस इफिशियंसी ऑफ द बॉयलर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, ठीक ना, अगर आपका स्केलिंग होता है बॉयलर ट्यूब में तो इतने सारे रीजन इतने सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन जो क्या बोल रहा है कि स्टीम पाइपिंग कम अंडर अंडर द परव्यू ऑफ आईबीआर इफ, क्या बोल रहा है कि जो हमारा स्टीम पाइपिंग है वो आईबीआर में किस कंडीशन में आएगा। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है, स्टीम प्रेशर एक्सीड 5.5 kg per cm² और इंटरनल डायमीटर एक्सीड 250 mm।
एंड जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका वो होगा बी। अगर मान लीजिए कोई लाइन है उसमें जो स्टील प्रेशर है वो 3.5 kg से ज़्यादा है और जो उसको इंटरनल डायमीटर है वो 254 mm से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि वो IBR पाइप है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मेन एडवांटेज ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी इंडस्ट्रीज रिडक्शन इन पोल्यूशन इंक्रीज इन इफिशियंसी बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दी अबव। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टीम ट्रैप, इन्वर्टेड बकेट टैप, थर्मोस्टैटिक फ्लोट टैप, थर्मोडायनेमिक। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, थर्मोस्टैटिक जो स्टीम ट्रैप होता है उसमें बाई मेटेलिक स्ट्रिप यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ वॉल कॉजेज मोर प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस, किस वॉल के कारण ज्यादा प्रेशर ड्रॉप होता है। ओके, गेट वॉल, ग्लोब वॉल, बटरफ्लाई वॉल और सेफ्टी वॉल। तो जो हमारा ग्लोब वॉल है इसके कारण हमारा ज्यादा प्रेशर ड्रॉप होता है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। ओके, एंड नेक्स्ट है, अटेम्परेशन इज डन टू कंट्रोल ऑफ स्टीम प्रेशर, कंट्रोल ऑफ स्टीम टेम्परेचर, कंट्रोल ऑफ फीड वाटर विद सेल का, नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो हम अटेम्परेशन करते हैं वो स्टीम टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, स्केल इज फॉर्मड ऑन हीट ट्रांसफर सरफेस व्हेन वाटर इज एसिडिक, वाटर इज एल्कलाइन, एल्कलाइन वाटर कंटेन डिजोल्व कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, एंड नेक्स्ट है बोथ बी एंड सी। ओके, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा सी, वाटर कंटेन डिजोल्व कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। इसीलिए क्या होगा वहां पे स्केल फॉर्मेशन होगा हीटिंग सरफेस एरिया, हीटिंग सरफेस जो है वहां पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल डोजिंग पंप फॉर अ बॉयलर इज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल, एक्सियल, प्रोपेलर एंड रेसिप्रोकेटिंग। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो रेसिप्रोकेटिंग टाइप का पंप होता है हमारे केमिकल डोजिंग पंप में। ओके, नेक्स्ट है, बॉयलर बकस्टे आर यूज टू प्रोवाइड फाउंडेशन ऑफ बॉयलर, प्रोवाइड टॉप सपोर्ट फॉर बॉयलर, प्रिवेंट फ्लैट सरफेस फॉर टीयरिंग अपार्ट, नॉन ऑफ दी अबव। तो क्या करता है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक ना, जो हमारे वाटर वॉल होते हैं उनको प्रिवेंट करता है ताकि वो उनमें ज्यादा मतलब वो डैमेज ना हो, ठीक ना, अगर कभी आपका फर्नेस पॉजिटिव जाता है तो उस कंडीशन में वो सेफ रहे। ओके, सेफ। और फ्लैश स्टीम कैलकुलेशन, फ्लैश स्टीम क्वांटिटी अवेलेबल डिपेंड अपॉन कंडेंसेट प्रेशर एंड फ्लैश स्टीम प्रेशर, प्रेशर ऑफ स्टीम इन बॉयलर, स्टीम इन थैल्पी एटमोस्फेरिक प्रेशर, टोटल हीट ऑफ स्टीम फ्लैश। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी होगा, ठीक ना, स्टीम इन थैल्पी एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। ओके, अगला क्वेश्चन है, ड्रेन पॉकेट आर प्रोवाइडेड इन स्टीम लाइन फॉर स्टोरेज ऑफ फ्लैश स्टीम, स्टोरेज ऑफ कंडेंसेट, चेकिंग ऑफ स्टीम लाइन, इफेक्टिव रिमूवल ऑफ कंडेंसेट फ्रॉम द लाइन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा स्टोरेज ऑफ कंडेंसेट, क्यों, क्योंकि वहां पे जो पॉकेट्स होते हैं वहां पे हमारे कंडेंसेट स्टोर हो जाए और वहां से हम उसको रिमूव कर सकें। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सोलर थर्मल कन्वर्जन सिस्टम द सोलर हीट इज ट्रांसफर टू वाटर, स्टीम, मोल्टेन सॉल्ट्स, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दी एबव। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी होगा, ठीक ना, बोथ ए एंड बी। और अगला जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैग्नीज इज एडेड टू स्टील प्राइमरली टू इंक्रीज, जो मैग्नीज होता है वो उसको हम स्टील में क्यों ऐड करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, फटीग स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए, मेलाबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। ओके, तो ये था दोस्तों हमारा सेंट्रल बीओई का पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन। तो आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आओ तो कमेंट करके जरूर पूछिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।